नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 30.5 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, भाई परेशान करता है, मेरे लाइफ में आगे क्या रहेगा, पैसा नहीं बचता है, परेशान रहता हूँ, मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, ये जानना चाहते हैं। और सरकारी नौकरी के बारे में भी जानना चाहते हैं और आगे लाइफ में बच्चे से रिलेटेड भी जानना चाहते हैं कि बच्चे होंगे या नहीं होंगे, और वाइफ की अगर कोई नौकरी से रिलेटेड पता लगे तो वो भी बता दीजिएगा। तो देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक करके समझाता हूँ कि कहाँ पर कितनी पिक्चरों को देख कर आप एनालिसिस में समझ सकते हो कि कहाँ पर कौन सी रेखा का क्या मतलब है। देखो, मैं थोड़ा सा आपको इस फोटोग्राफ में पहले पहले इस फोटोग्राफ में दिखाता हूँ। देखो, ये जो साइन है ना, ये साइन आपको एक लग रहा है एक रेखा ऐसे जा रही है, ये ऐसे नहीं जा रही, एक सीधी रेखा है। और ये मैंने आपको आपको रेयर साइन में बताया था, ये वाला रेखा, ये जो होता है ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहां पर ये साइन ऐसा क्यों बनाया गया, ये ऐसा इसलिए बनाया गया, ये अलग होने का साइन है। यहां कोई तंग करेगा क्योंकि आइसलैंड है ना, ये देखो ये आइसलैंड है इसलिए। और इस जगह पर ये जो ये वाला साइन है, ये भाई का साइन है। देखो, इसमें नहीं दिख रहा ना, डॉट लग रहा है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो यहां पर ये देखो ये साइन क्या है, 14 साल, ये भाई है ना, भाई से रिलेटेड परेशानियां, एंड देन देखो आइसलैंड, और फिर आपका ऐसे करके ये साइन बना दिया। इट मीन्स कि ये बंटवारे का साइन है। और यहां पर अब ये साइन नहीं दिख रहा, ये देखो ये वाला 10 साल की उम्र में, ये देखो ये आइसलैंड है, ये एक आइसलैंड है, ये बीमारी की रेखा है 10 साल पर, ठीक है, उम्र 10 साल पर, और 14 साल पर भाई से रिलेटेड दिक्कत, फिर अलग होना, ये वो दिक्कत यहां पर आ रही है, ठीक है। तो ये 15 से 17 साल के बीच में ये टाइम पीरियड है, ठीक है। अब देखो, ये एक रेखा है ना, ये सीधा यूं खड़ी है ना, ऐसे करके ये बाहर जाना चाहते हैं, यानी ये अगर ये बाहर जाएंगे तो ये आइसलैंड के कारण वापस आ जाएंगे, दिक्कत आएगी यहाँ पर, 20वें साल पर इनको दिक्कत आएगी। मुद्दा ये, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना होता है तो कॉलेज वगैरह या थोड़ा सा दूर होता है, ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, दो रेखाएं हैं, वापस आना पड़ेगा इनको 22वें साल पर, ठीक है। अब देखो, मैं इस वाली फोटोग्राफ पर जाकर आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं कि आइसलैंड की कैटेगरी क्या होती है। देखो, ये आइसलैंड है 23वें साल पर, ये देखो ये 23वें साल पर आइसलैंड आया है। अब यहां पर नीचे से एक रेखा निकली, नीचे से निकली 24 साल। अब ये देखो 24 से 25 में ये क्या है, टर्न की रेखा है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि यहां दिक्कत आएगी, ठीक है, बट लेकिन आपको कैरी ऑन रखना है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब देखो, मैं कैसे चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, वो समझा करो। आना जाना, इस वाली प्रोग्रेस लाइन पर ये रेखा ऐसे और वापस, तो आना जाना, आना जाना। अब देखो, ये वाला साइन क्या है, बच्चा, और बच्चे के लाइफ में यहां पर आइसलैंड। मैंने कहा ये कौन है जिसके भाई का ये बच्चा हो और उस पर आइसलैंड आ रहा है, ये दिक्कत आएगी जबरदस्त तरीके से बच्चे पर। सर, वो बच्चा हुआ था, डेथ हो गई थी। मैंने कहा इसी समय पर एक रिश्ता भी आया होगा आपका, ये देखो यहां से लेकर यहां तक 27 से 28 साल के बीच में एक रिश्ता भी आया होगा, लेकिन यहां आइसलैंड आ रहे हैं ना, ये देखो ये आपकी लाइफ में ये क्या है, ये क्या है, ये यहां पर घर घर पर कालापन। और देखो, ये वाली एक रेखा नीचे से निकल के चली गई, कोई बीमार होगा, ये देख लो 29 साल पर कोई बीमार होगा। अब इन्हीं पर ये ट्रेंगल बना दिया गया तो यहां शादी की रेखा बनती है, इस पर ये साइन जो बनाया हुआ है ये आपकी शादी का है, प्लस आपकी लाइफ में पेपर देने का है, और वो पेपर आपने बाहर जाकर दिया होगा, ये देखो ये साइन ही आपका बाहर जाने का, ऐसे करके ऐसे है ना। देखो, लॉजिक समझाता हूं, देखो सबसे पहले एक 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 ये ट्रेंगल बन गया। पहला ट्रेंगल का मतलब यहां पर 29 से 30 साल के बीच में ये बना, पेपर दोगे, ये देखो बाहर जाकर पेपर दिया आपने, यहां पर ये ट्रेंगल बनाकर पेपर दे रहे हो, और उसके बाद आपकी लाइफ में यहां पर शादी से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, तो ये वो रेखाएं बना दी गई हैं। ये 29 साल में कोई ना कोई घर पर बीमार होगा, ठीक है, ये वो रेखाएं बन रही हैं। अब देखो, यहां पर
आपकी लाइफ में आप जॉब छोड़ना चाहते हो, वो कैसे पता लगता है कि जॉब छोड़ना चाहते हो? देखो ये एक है 30 साल, ये देखो आइसलैंड आ गया एक छोटा सा, और ये एक रेखा है 31 साल। अब 30 और 31 के बीच में देखो कि ये क्या बना हुआ है। यहाँ पर ध्यान से देखना कि क्या आपको ट्रेंगल्स नहीं दिख रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये जो ट्रेंगल्स बने हुए हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप यहाँ पर कोई एग्जाम देते हो, नहीं निकलेगा। रीजन समझाता हूँ क्यों नहीं निकलेगा। देखो ये एक नीचे से एक आइसलैंड आया हुआ है, ये देखो ये नीचे से एक आइसलैंड आया हुआ है। ये आइसलैंड आपके कामों में दिक्कत लाने के लिए, बट लेकिन क्या है, ऊपर ट्रेंगल बना दिया गया, ट्रेंगल बना दिया ना। अब ये क्या हो रहा है, अगर आप बच्चा चाहते हो तो लड़की होगी, और अगर वहां पर बच्चे से रिलेटेड या वाइफ से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं, और अगर यहाँ पर अगर पेपर देते हो तो दिक्कत आएगी, अगर नौकरी चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियाँ आएंगी। ये वो रेखाएं हैं। अब नौकरी तो चेंज कर दी आपने, इस जगह पर 31 से 32 साल में आप डिस्टर्ब्ड रहोगे रहोगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये वाली पिक्चर में ये साइन नहीं दिख रहा था, ये साइन नहीं दिख रहा था, मैंने इस वाली पिक्चर को यहां पर ये साइन देखा। देखो इस पर ये साइन बना हुआ है, ये समय है आपका, ये वाला समय 33 से 34 साल, ये ठीक जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें भी आइसलैंड आए हुए हैं, आपकी लाइफ स्मूथ नहीं है, याद रख लेना, स्मूथनेस इतनी नहीं रहेगी। लेकिन 33 साल आपकी वाइफ के लिए, अगर नौकरी, अगर वो पेपर देना चाहती है या कुछ करना चाहती है तो ठीक रहेगा आपकी लाइफ में। देखो कैसे, ये एक रेखा, ये रेखा खर्चे तो कराएगी, एक अलग मैटर है, अगर वाइफ मायके जाना चाहती है, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं करना, क्योंकि आपके हाथ में आइसलैंड बहुत आ रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े नहीं करना, मेहनत बहुत करेंगे, कोई बॉस तंग करेगा आपको या कोई सताएगा, समथिंग करेगा, ये तो चीजें होंगी ही होंगी, ठीक है। घर भी आगे दिखाऊंगा कहाँ बन रहा है आपका, लेकिन 33 और 34 साल ये वाला साल आपका अच्छा जाएगा, मुद्दा ये समझ लो अच्छा जाएगा। कैसे, मैंने समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो जब ये ट्रेंगल्स बनते हैं ना, ये ट्रेंगल्स बनते हैं तो ये कहीं ना कहीं, देखो आइसलैंड है वो एक अलग मैटर है, आइसलैंड है वो अलग मैटर है, बट लेकिन यहां अगर ये बने हुए हैं तो आपको 34 से 35 के बीच में आना जाना, लोन लेने की संभावनाएं 35 से 36 के बीच में। देखो ये 8 बना हुआ है ना, ये देखो ये एक आइसलैंड आया हुआ है, यहां पर आप चेंज है, यहां पर यहां चेंज है, यानी 35 से 36 के बीच में चेंज जरूर आएगा आपकी लाइफ में। अगर आप, ये देखो आइसलैंड आ गया, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो 37 पे मत कीजिएगा, नौकरी आप यहां पर कर सकते हो। देखो अब आपकी लाइफ में इस जगह पर देखो समझा देता हूं, ये देखो ये वाला जो साइन बनाया हुआ है, ये कट का निशान एक बार बनाया बनाया हुआ, इधर तो देखो बीमारी की रेखाएं हैं, ये तो बीमारी की रेखाएं हैं, थोड़ा सा बचकर चलना है, बस इतना याद रख लीजिएगा। 38वें साल पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर आएगी, जॉब का ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने अलग वर्ड लिखा है, क्यों, क्योंकि ये आइसलैंड आ गए, ये जॉब में तो परेशानियां देते ही देते हैं, लेकिन अलग वर्ड इसलिए लिख दिया कि बनाकर रखना, भाई से तो बननी नहीं लेकिन बीवी से बनाकर रखना, क्योंकि लाभ जरूर मिलेगा आपको अपने ससुराल पक्ष से, ये याद रख लीजिएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि 39 पे अलग, लेकिन यहां पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और आपकी लाइफ में यहां पर आपकी जॉब में भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। 39वें साल पर देखो जिस तरीके से कट का निशान है, अपने हाथ से पैसा किसी को मत देना, ना शेयर मार्केट में पैसा लगाना, ठीक है। जैसे ही ये खत्म होता है, ये साइन देखो जैसे ही ये साइन खत्म होता है, ये वाला, इसके साथ ये साइन आ गया, ये साइन आ गया, तो 40 41 साल गुड टाइम पीरियड है आपका, ठीक है। अब गुड टाइम पैसों के लिए तो है, लेकिन सेहत से रिलेटेड जरा देख लें यहाँ पर ये क्या साइन बने हुए हैं। देखो ऐसे परिस्थितियों में जब ये नीचे से रेखा निकलती है ना, मैं थोड़ा सा जरूर कहता हूं कि ध्यान रखिएगा, 40 41 साल पर जरूर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब कोई इन रेखाओं पे कट लगाता है ना,
तो यहां पैसा किसी को दे दो, शेयर मार्केट में लगा दो, तो नुकसान है भाई। ये भाग्य रेखा है, तो यहां पर आपको उनसे रिलेटेड प्लस नौकरी से रिलेटेड जरूर ध्यान रखना है। यहां जॉब छोड़नी नहीं है, याद रख लीजिएगा, 41.5 और 42। लेकिन 42वां साल पर आपको शायद, मैंने लिखा है ये 8 बनाया हुआ है ना, ये अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। यहां पर अपॉर्चुनिटी का मतलब है कहीं दूसरी जगह जॉब मिले, कुछ वो कर लीजिएगा। 42 से 43 साल के बीच में मैंने लिखा है शायद 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 आपको लोन लेना पड़े, ठीक है, शायद। अब यहां पर एक नीचे एक ट्रेंगल बना हुआ है, देखो ये जो एक ट्रेंगल बना है, ये ट्रेंगल क्या करवाएगा, आपको एक नई जॉब दिलवाएगा 43 से 44 साल के बीच में। ये समय सही रहेगा आपका, ठीक है, ये समय सही रहेगा, ठीक। अब बात आती है ये वाले समय पर, देखो इस पर आइसलैंड आया हुआ है, ये देखो ये आइसलैंड आ गए ना, ये देखो ये नीचे ये आइसलैंड है, ये गलत है, ये आपकी लाइफ में, ये देखो ये आइसलैंड है ना, ये गलत है। तो यहां पर बीमारी की रेखा, लड़ाई झगड़े की रेखा है, यहां पर 45 साल पर ध्यान रखिएगा। यहां पर अपना बाइक व्हीकल वगैरह ठीक चलाइएगा, ठीक है। ये जो समय है ये प्रॉपर्टी का है, ये समय यहां, ये देखो ये वाला समय प्रॉपर्टी का है। तो आपकी लाइफ में 46-47 साल पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें यहां पर होंगी, लेकिन प्रॉपर्टी एक अलग मैटर है। यहां पर काम, ये जो ये तो बढ़ रहा है वो अलग है, लेकिन बीच में मुझे दिक्कत जरूर दिखाई दी है। वो देखो वो क्यों कह रहा हूं, मुझे दिक्कत दिखाई दी है, यहां पर भी मुझे आइसलैंड दिखाई दिया है। ये देखो इस जगह पर, इस जगह पर छोटी मोटी आपको ऑफिस से रिलेटेड दिक्कतें जरूर रहेंगी, जरूर रहेंगी। अब इसके बाद कोई बिजनेस करना चाहो तो अभी इसको निकल जाने दो, बस देखो इस टाइम को निकल जाने दो। ये अगर निकल जाता है आपका 49वां साल, इसे निकल जाने दीजिएगा, यहां पर दिक्कत जरूर आएगी, ठीक है। वो दिक्कत क्यों है, देखो एक पहले तो बनाया गया ऐसे, एक करके ऐसे, और इसके बीच में से एक रेखा निकाल दी गई है। पैसों की कमी यहां पर रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है 50वें साल पर, लेकिन 51वें साल पर टर्न की रेखा है, यानी थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। फिर कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो कि आइसलैंड आ रहा है, आइसलैंड आ रहा है, यानी कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी या समथिंग यहां पर जरूर आएगा। 53 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, 53 से 54 साल आपके घर पर कोई ससुराल पक्ष में या समथिंग में कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। ये रही 45 साल पर यात्रा रेखा, आना 55 साल पर आना जाना लगा रहेगा, ठीक है। ये जो साल है ये वाला साल, यहां पर मैंने आपको एक इंडिकेशन दी है, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह 55 से 56 साल के बीच में ये है, और 54.5 साल पर भी हेल्थ प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये तो ये रहा। अब उसके बाद आपकी लाइफ में इस जगह पर, देखो इस जगह पर दिक्कत आएगी, ये देखो एक आइसलैंड है, ये एक तो ये आइसलैंड है, एक ये आइसलैंड है, यहां पर दिक्कत है। ये एक है आपका 58 से 59 साल, एक है 60 साल, लेकिन 60 साल के बाद स्क्वायर बनने शुरू हो रहे हैं ना, ये काम है आपके, बिजनेस है, तो आप अपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से 50 साल के बाद 50.5 पर आप बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि ये साइन बिजनेस के हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में आप कुछ चीज इंक्रीज करोगे, ये बच्चे भी बाहर जाएंगे, यहां पर एक साइन बना हुआ है बच्चे से रिलेटेड और घर कोई काम से रिलेटेड स्क्वायर, और यहां पर बाहर जाएंगे। तो ये है आपका 61 साल, 62 साल पर आप यात्रा रेखा भी करोगे, वो काम में दिक्कत आएगी 63 साल पर, ठीक है। लेकिन इसी समय पर ये देखो, ये साइन मुझे ऐसा लग रहा है कोई प्रॉपर्टी का है, ये साइन मुझे कोई प्रॉपर्टी, यानी 61 से लगभग 61 से 62.5 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी भी है, काम बढ़ा रहे हो ना, इसलिए प्रॉपर्टी का साइन भी है। ये 63 पे दिक्कत आई, उसके बाद 64, 65, 66, इस 66 के बाद फिर काम को बढ़ा रहे हो, ये देखो यहां फिर काम को बढ़ा रहे हो, जो कि 68 तक काम चलेगा, और 68 के बाद 70 पर फिर दिक्कत आ जाएगी। तो यानी आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो समझ लीजिए। बच्चे तो आपके हैं, लेकिन मुझे आपके भाइयों से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर लग रही है, फैमिली में प्रॉब्लम जरूर लग रही है, और इसके अलावा अपनी मैरिड लाइफ को 39 साल तक
थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलिएगा। जहां तक आपकी वाइफ का कंसर्न है, 33 से 34 साल पर उसकी उनकी नौकरी लग सकती है। अगर वो 31 साल पर, एक ट्रेंगल दिखाया था मैंने, जहां पर मैंने लिखा कि उस ट्रेंगल पर एक नीचे से रेखा आइसलैंड आया हुआ है, आइसलैंड जब भी आता है वो क्या करता है, गड़बड़े पैदा करवाता है। ये देखो, ये गड़बड़े पैदा करवाएगा। अब यहां पर अगर कोई एग्जाम देना चाह रहा है, वैसे तो साइन सही बना हुआ, नीचे ट्रेंगल आया हुआ है, अब ये क्या कहना चाहता है, और मेहनत करो, और अगर बच्चा चाहते हो तो यहां पर लड़की होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना। और अगर अपनी नौकरी से रिलेटेड बता ही चुका हूं, ठीक है, तो आपकी लाइफ का पूरा निचोड़ क्या निकल के आता है, प्रॉपर्टी बनेगी, मुसीबतें आपको आपके ऑफिस से रिलेटेड जरूर मिलेंगी, वहां तंग करने वाले व्यक्ति जरूर मिलेंगे, बॉस तंग करेगा या आपके कुलीग तंग करेंगे, और उसमें से ही आपने अपने लगातार लगातार आगे बढ़ते रहना। जहां पर मैं कहूँ नौकरी नहीं छोड़नी, वहां पर मत छोड़िएगा। अब मैंने एक वर्ड 39 पे अलग बोला है, तो यहां पर आप अपनी लाइफ में अपने भाइयों से अलग होना हो जाओ, लेकिन अगर वाइफ से रिलेटेड नहीं, और अगर यहां जॉब है तो यहां पर आइसलैंड है, तो यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का बस केवल आपको, आपके हाथ आइसलैंड पर है, मैं राहु आपको आपका राहु का उपाय दूंगा दूंगा और करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जब ये नीचे से रेखाएं निकलती हैं तो यहां पर ध्यान रखना, हेल्थ प्रॉब्लम के अलावा पैसों की भी दिक्कत आएगी, और जब ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं तो यहां पर भी आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों पर फोकस करके रहना पड़ेगा। बेचनी नहीं होती ऐसी जगह पर, यहाँ किसी को पैसा नहीं देना होता है, ठीक है, इस चीज का बस ध्यान रखना। बाकी आपकी लाइफ का मैं एक बारी फीडबैक दे देता हूँ, अभी आपकी उम्र जो है वह 37.5 साल, आपने कहा सरकारी नौकरी, मैंने कहा ग्रुप सी की नौकरी अगर आप चाहते हो तो 31 साल और 33 से 34 साल, यहाँ पर ग्रुप सी की नौकरी ये बस मिल सकती है, रेलवे की भी नीचे वाली चीजें मिल सकती हैं आपको। आपकी वाइफ तैयारी करे तो वहां पर मुझे 31 से 33 साल, बच्चों से रिलेटेड लड़की 31 साल पर होगी, ठीक है, 30 से 31 साल, 31 साल के करीब करीब में अगर प्लानिंग कर रहे हो, डेफिनेटली इस समय समय पर अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली लड़कियां होंगी इस समय पर, लेकिन 33 से 34 में लड़का हो सकता है, 33 से 34 साल आपका सही जाएगा। लेकिन जहां तक आपकी जॉब चेंज करने का समय है, 31 में करना चाहो कर सकते हो, 32 में दिक्कत जरूर आएगी, 33 ठीक रहेगा, 34 ठीक रहेगा, 34 से 35 पर लोन लेने सकते हो, आना जाना लग सकता है, 36 साल, 35 से 36 में जॉब चेंज कर सकते हो, 37 साल पर मैंने लिखा है प्रॉब्लम, यहां पर आप दूसरा अपना काम करना चाहते हो लेकिन काम मत कीजिएगा यहां पर, क्योंकि दिक्कत आएगी, क्योंकि 38 साल पर मैंने लिखना शुरू कर दिया प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ठीक है। और उसके अलावा मैंने लिखा है 39 में अलग होना, 40 41 साल आप अपनी जॉब में चेंज कर सकते हो, लेकिन जॉब बढ़कर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम 40 45 साल पर आएगी, 42 साल पर दूसरी जगह पर जा सकते हो, लेकिन 41 45 और 42 साल पर नौकरी का बचाव करना और पैसे यहाँ पर किसी को नहीं देने, शेयर मार्केट में मत लगाना। एक जॉब जो है 43 44 पर आपको मिलेगी, आपकी इनकम अच्छी होगी वहां पर, और 45 पर आइसलैंड, बीमारी या लड़ाई झगड़े या ऑपरेशन या कुछ, ध्यान रखिएगा इस जगह पर 45 पर, 46 47 पर आपकी लाइफ में आपका घर होगा, और इसके अलावा लेकिन यहां मैंने लिखा है 44 पर बच्चे पर भी खर्चा होगा, 44 से 45 पर जॉब चेंज कर सकते हो। अगर यहां पर जॉब में चेंज करना है, मैं अवॉइड करूंगा इस जगह पर जॉब मत चेंज करना, क्योंकि फिर आपको 48 साल तक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो आप याद रख लेना इस समय पर जॉब नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है 50वें साल पर पैसों की थोड़ी सी दिक्कत आएगी या कोई बीमारी की रेखा आएगी, यहां पर 51 साल आना जाना ये समय सही रहेगा, और 51 से 52 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी का साइन जरूर बना है, 53 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम है, 53 से 54 साल के बीच में घर पर कोई प्रॉब्लम आएगी, 55 साल पर आना जाना यानी आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड हो सकता है यहां पर, और उसके अलावा 56 पर कोई चीज खरीदोगे या थोड़ा सा चेंजिंग करोगे यहां पर, ये याद रख लेना, 55 के बाद 55 से 56 पे कोई चेंजिंग जरूर है, 54.5 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम जरूर है, और उससे पहले यहां पर ये कोई बिजनेस आपने शुरू कर दिया था 50 50 साल 4 महीने के बाद से, ठीक है, वो कर सकते हो।
56 साल हेल्थ प्रॉब्लम, 56 से 57 साल के बीच में मैंने लिखा है कोई प्रॉपर्टी है लेकिन दिक्कत आएगी, 58-59 में ऑपरेशन हो सकता है या हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन 60 साल पर काम में दिक्कत आ सकती है, बच्चा बाहर जा सकता है, काम को बढ़ाओगे, 62 साल पर या तो दूसरा काम करोगे, लेकिन यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी के साइन ज़्यादा दिख रहे हैं, वो काम 63 साल तक चलेगा, 63 पर दिक्कत है, 64, 65, 66, 67, 68 यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, फिर 70 साल पर जाकर दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाली भाग्य रेखा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाएगी, ये आइसलैंड आपको एक सूर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा सूर्य का उपाय आपको करना पड़ेगा और आपकी लाइफ में राहु का उपाय करना पड़ेगा, इन इन उपायों को लगातार लगातार करते रहिएगा, तब जाकर अपनी लाइफ जो है वो स्मूथ बनाओगे, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा, धन्यवाद।